जालना जिल्ह्यातील परतूरमध्ये पंतप्रधान मोदींची सभा सुरू आहे, आपण जाऊया थेट। उधर से उधर तक इतनी बड़ी भीड़ और यहां सामने भी, तो फिर एनसीपी कांग्रेस का क्या होगा? एक से बढ़कर एक रैलियां मैं देख रहा हूं जी। जितना स्नेह और प्रेम आज यहां देखने को मिल रहा है, जो उत्साह आप सभी में नजर आ रहा है, उससे स्पष्ट है कि महाजनादेश किस तरफ जा रहा है। इस महाजनसागर को देखने के बाद विरोधियों के लिए संदेश साफ है, फिर एक बार महायुति की सरकार। साथियों, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, भक्त प्रहलाद, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब आंबेडकर, ऐसे मनीषियों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराष्ट्र ने देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है और ये काम अभी से नहीं बल्कि सदियों से ये हमारा महाराष्ट्र निरंतर करता आ रहा है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को लेकर यहां से हर बार आवाज बुलंद हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के इन्हीं संस्कारों को हर मौके पर, हर मंच पर, हर कदम पर ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने इनको स्पष्ट संदेश दिया है, लेकिन ये आपकी भावनाओं को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में नामदारों की मनमानी से नहीं, कामदारों की इच्छा शक्ति से काम होगा। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति नहीं, तय समय पर विकास के काम पूरे करने वाली संस्कृति आज लोगों को मंजूर है, लोग इसी को मानते हैं। साथियों, ये देश की भावनाएं नहीं समझ रहे, लेकिन देश इन्हें भी देख रहा है और समझ भी रहा है और मौका आते ही हिसाब भी साफ कर देता है। हम सभी इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रहित और राष्ट्र रक्षा के मुद्दों पर हम सभी देशवासियों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का एक ही सुर होना चाहिए, दुनिया को
एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, एक ही स्वर सुनाई देना चाहिए। लेकिन हर बात में राजनीति की रोटियां सेकने की आदत वाले ये नेता देश हित की, राष्ट्र हित की इतनी सीधी सरल बात को भी मानने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान मैंने सुना, अखबार में पढ़ने को भी मिला कि कांग्रेस पार्टी में अब नई ट्रेनिंग शुरू हो रही है। कहते हैं कि अब कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी रोना के हंसना को समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि आज की कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली, देशभक्तों वाली कांग्रेस नहीं है। परिवारवाद के बोझ के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है। परिवार भक्ति में ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति नजर आती है और यही वजह है कि कांग्रेस आज लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दुनिया भर में जितने करप्शन के प्रकार हैं, सारे करप्शन के ही संस्कार आज वहां बचे हैं। राष्ट्रवाद की भावना कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये लोगों को याद कीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक के समय इन लोगों ने क्या बातें कही थी, कौन सी भाषा बोली थी। क्या कोई, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे, क्या कभी कोई देशभक्त सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करेगा क्या? करेगा क्या? कर सकता है क्या? वीरों का अपमान कर सकता है क्या? हमारी सेना का अपमान कर सकता है क्या? इन्होंने किया, बेशर्मी के साथ किया। उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई फिर इन्होंने वही गीत गाना शुरू किया, वही राग अलापना शुरू किया और इनकी आदत जाती नहीं है। और अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर भी इनका रवैया राज की भावना के बिल्कुल विपरीत है। मैं ये एनसीपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि ये 370 पर अगर इतना प्रेम है आपको तो उसे जहां दफनाया गया है वहां जाकर के चादर उड़ा के आ जाओ। जमीन पर इन दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पर जो युवा साथी हैं, वो भी अपने नेताओं की बात न मानते हुए कहते हैं कि 370 और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर देश की भावनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब इसलिए हो रहा है कुछ नेताओं के अहंकार के कारण, उनका अहंकार सातवें आसमान पर होने के कारण,
न उनको देश दिखता है, न देश का भला दिखता है, न जनता दिखती है, न जनता की भावनाएं दिखती है। और इसलिए ये उल्टी बातें बोलते रहते हैं, उल्टी भाषा बोलते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही कारण है कि बीते कुछ समय से अनेक जनाधार वाले नेता इन दोनों दलों को छोड़कर वीर शिवाजी के संस्कारों को सम्मान देने वाले महायुति के साथ खड़े हैं। आप देखिएगा जो अभी वहां रह भी गए हैं वो भी 21 अक्टूबर को बूथ पर जाकर महायुति के पक्ष में ही मतदान करने वाले हैं। अब वहां कुछ बचा ही नहीं है। साथियों, कांग्रेस और एनसीपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में लंबे समय तक एक साथ शासन किया है, हर काम में भागीदार है, अच्छा हो बुरा हो। अब मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोनों ने मिलकर के ही किया है। लेकिन इन दोनों दलों की नीति, निष्ठा और नियत में हमेशा खोट रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मराठावाड़ को भी हुआ है। 2014 से पहले स्थिति यह थी कि योजना मराठावाड़ के लिए बनती थी, नाम मराठावाड़ के लोगों का लिया जाता था, लेकिन विकास मराठावाड़ा का नहीं, सिर्फ कुछ नेताओं का, उनके परिवारों का, उनके सिपाहसालारों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके चेले चपाटों का, सिर्फ उन्हीं का भला होता था। मैं सच बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? मैं सच बता रहा हूं, मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? मैं सच बोल रहा हूं? तो ऐसे लोगों को बचने देना क्या है क्या? ऐसी राजनीति चलने देनी चाहिए क्या? साफ कर दोगे ना इस बार? पक्का? पूरी तरह? शाबाश। यही कारण है कि महाराष्ट्र को तीन तीन मुख्यमंत्री देने के बावजूद मराठवाड़ा की स्थिति में खास अंतर नहीं आया। सड़क हो, पानी हो, अस्पताल हो, बिजली हो, ये बुनियादी चीजें, इन बुनियादी सुविधाओं के लिए भी यहां के लोगों को तरसना पड़ा, तरसते रहना पड़ा। भाई बहनों, मुख्यमंत्रियों का क्षेत्र होने के बावजूद यहां से विकास गायब रहा। साथियों, उनके तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना, और मैं चुनौती देता हूं, उनके तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा भाजपा के एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल से कर लीजिए, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। भाइयों, और मैं तो देख रहा हूं इस चुनाव में क्या होने वाला है। आपको मालूम है क्या होने वाला है? ये इस चुनाव में क्या होगा, क्या मालूम है आपको? क्या लगता है? मैं बताता हूं, वो एनसीपी की घड़ी है ना, घड़ी, उसमें 10 पर एक बड़ा भाई खड़ा है और छोटा भाई दूसरे 10 पे खड़ा है। मतलब कि बड़ा भाई भी 10 सीट लेके आएगा और छोटा भाई भी 10 सीट लेके आएगा। उनकी घड़ी में दिखा दिया है कि 10 सीट बड़े भाई की, 10 सीट छोटे भाई की। इससे आगे बढ़ने की संभावना नजर नहीं आई है। भाइयों बहनों, आज मराठावाड़ में क्या हो रहा है? आज यहां ग्रामीण सड़कों, स्टेट और नेशनल हाईवे से जुड़े ही करीब
50,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे, 50,000 करोड़। संत गजानन महाराज के सेगांव से पंडरपुर को कनेक्ट करने के लिए परतूर से होकर नेशनल हाईवे बन रहा है भाइयों। मराठवाड़ा में लोड शेडिंग की परेशानी से राहत मिली है। यहां किसान हो या उद्योग, बिजली के कनेक्शन से लेकर बिजली की कीमत तक में राहत मिली है। जालना में ही ड्राई पोर्ट बन रहा है, सीड पार्क बन रहा है, टेक्सटाइल पार्क, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारी सौगात आज यहां आपके घर में आ रही है भाइयों। इसके साथ ही ऑरिक सिटी के माध्यम से इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, जिसका लाभ जालना को भी होने वाला है। एक प्रकार से सुविधा से लेकर युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए यहां अनेक अवसर तैयार हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, सार्थक और सही विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल बहुत जरूरी है, नियत साफ होना जरूरी है। महाराष्ट्र के सामान्य जन का विकास तब और तेज हो जाता है जब केंद्र के प्रयासों को यहां की सरकार आगे बढ़ाए, उनको विस्तार दे। और ऐसा तभी होता है जब केंद्र व राज्य दोनों जगह ही राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखने वाली सरकारें हो। बीते 5 साल में केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए, उनमें महाराष्ट्र की महायुति की सरकार ने मूल्य वृद्धि की वैल्यू एडिशन किया, उनका विस्तार दिया। मैं आपको आज जो बातें याद करने जैसी हैं उनको याद कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र ने शुरू की, इसके तहत महाराष्ट्र में माइक्रो इरिगेशन के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए। महाराष्ट्र की सरकार ने तेजी के साथ इन योजनाओं पर तो काम किया ही, साथ में जल संवर्धन के लिए जलयुक्त शिवार जैसे अभियान भी चलाए। इससे मराठवाड़ सहित पूरे महाराष्ट्र में एक जल क्रांति शुरू हो गई। मराठवाड़ में बन रहा वाटर ग्रिड इसी जल क्रांति का हिस्सा है। गोदावरी को फिर से जलयुक्त करने का प्रयास भी इसी जल क्रांति का हिस्सा है। इस जल क्रांति से जालना को, पूरे मराठवाड़ा को बहुत लाभ होने वाला है और लंबे अरसे तक लाभ होने वाला है। आने वाले समय में यहां के सैकड़ों गांवों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होने वाला है। साथियों, सूखे की समस्या को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी और भारतीय जनता पार्टी का जब संगठन का काम करता था, तब भी उसका समय महाराष्ट्र में भी जो जल संकट था उसको भी मैंने निकट से देखा है। हम सभी ने पानी के अभाव के कारण शेतकरी समाज को अपने पशुओं सहित पलायन के लिए मजबूर होते हुए भी देखा है।
हम उन बहनों की पीड़ा के साक्षी भी रहे जिनका पूरा दिन पानी के इंतजाम में ही बीत जाता है। यही कारण है कि अब भारत को सूखे के संकट से मुक्त और जलयुक्त बनाने का एक सपना हमने देखा है। जल जीवन मिशन के तहत इस सपने को साकार करने के लिए देश अब जुट चुका है। आने वाले 5 वर्षों में इस मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। पानी के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए, मेरे भाइयों बहनों, इसके तहत पानी की बचत से लेकर घर घर पानी पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है। गांव गांव में जो पानी के स्रोत हैं उनको फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। ये काम आप सभी मेरे भाइयों बहनों आपके सक्रिय सहयोग से पूरा होगा और मुझे पूरा विश्वास है आप वो लोग हैं जिन्होंने पानी के अभाव का संकट झेला है और इसलिए मेरे इस पानी के अभियान में आप लोग जी जान से जुड़ोगे, ये मेरा विश्वास है, मेरा आप पर भरोसा है। भाइयों बहनों, गरीबों की, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवश्यकताओं को समझते उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ देश के इतिहास में पहली बार हर वर्ग, हर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा देने का व्यापक काम हुआ है। देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में बिना बिचौलिए सीधी मदद किसान के खाते में पहली बार मिल रही है। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, इन सभी साथियों को 3,000 रुपये तक की पेंशन की सुविधा पहली बार मिल रही है। देश के करीब 50 करोड़ गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा पहली बार मिल रही है। और जब दुनिया के लोग सुनते हैं ना, तर आताच आपण पाहिलं जालन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा सुरू आहे काँग्रेसवर। या ठिकाणी त्यांनी पुन्हा एकदा हल्लाबोल केलाय। तर या सभेच्या मार्फत पुन्हा एकदा 370 कलमचा मुद्दा देखील मोदींनी उपस्थित केलाय। तर या राज्याला आतापर्यंत 3 मुख्यमंत्री काँग्रेसकडून लाभले, तरी देखील जो विकास झाला नाही तो भाजपाच्या एका मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखवलं असं देखील मोदींनी म्हटलंय। तर भाषणाच्या सुरुवातीलाच मोदींनी विरोधकांवर चांगलाच निशाणा साधलेला आहे।